बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अत्तुब की तालिबात, जो सबक हमने पहले इससे पहले क्लास में पढ़ा था, नज़्म व ज़ब्त और समझा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। और आज हमने इसके अल्फाज़वानी, जो कि आपको बोर्ड पर नज़र भी आ रहे होंगे, वो हम करेंगे। अल्फाज़वानी आप अपनी नसर की कॉपी में उतारेंगी। आज आपका लेक्चर नंबर 21 है। अल्फाज मानी यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, आप देख लीजिए और इसी तरह अपने नसर की कॉपी में टाइटल पेज बनाकर आप उतारेंगी। सबसे पहला लफ्ज़ है रिकाबी, जिसके माने इंग्लिश में लिखे हैं प्लेट, क्योंकि प्लेट इंग्लिश का ही वर्ड है। जस्त छलांग, डोंगे डिशेस, ये भी इंग्लिश का वर्ड है डिशेस, इसलिए हमने इंग्लिश में ही लिखा। रोगनी के मानी है तेल वाला, जिसके ऊपर तरी होती है या जिसपे घी या तेल की ज्यादती होती है, उसको रोगनी कहते हैं। अफसरदा गमगीन, कोसना बुरा भला कहना, काबिल दीद देखने के काबिल। मजरूह जख्मी, दुहाई फरियाद, मुरस्सा सजा हुआ, तगैर व तबद्दुल तब्दील हो जाना। बरक्स बरखिलाफ, आरी खाली होना, कसरे शान शान के खिलाफ। पासदारी ख्याल रखना, दरपे पीछे पड़ना। हशरातुल अर्स कीड़े मकोड़े। मुनज़्ज़म इंतज़ाम के साथ, मुतायन मुकर्रर किया हुआ, कारफरमा काम बनाने वाला। शिकस्त हार, शियार रखरखाव या सलीका, फरमान कौल। ये तमाम अल्फाज जो हैं आप अपनी नसर की कॉपी में सफाई से उतारेंगे, उससे आगे भी मैं आपको भी मशकी काम करवाती हूँ। जी तालिबात, अब देखिए आप मशकी सवालात यहाँ बोर्ड पर आपको नज़र आ रहे हैं। मशकी सवालात में सवाल नंबर एक, अगर आप किताब में देखें अपनी सफ़ा नंबर 29 पर, 29 पेज नंबर, तो आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर एक, दर्ज ज़ेल सवालों के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अब यहाँ पर आपको बोर्ड पर जो नज़र आ रहे हैं, ये सवालात नहीं हैं ना ही जवाब हैं, बल्कि सिर्फ उनकी हेडिंग्स हैं। मैं आपको इनकी हेडिंग्स बताने के साथ साथ इसके जवाब भी बता दूँगी। जी देखिए, पहला सवाल आपका यानी अलिफ़ है, दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी। अब यहाँ पर जो है अफरा तफरी की वजह आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, अफरा तफरी की वजह यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ये सवाल नंबर एक का अलिफ जो सवाल है उसकी हेडिंग है, ठीक है। और फिर उसका जवाब जो है वो इस तरह हो सकता है, इस तरह से होगा कि आप सफ़ा नंबर 27 देखिए। सफ़ा नंबर 27 पर आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ के बाद जो दो लाइनें दी हुई हैं, तो उन दो लाइनों में लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, खाना भी अफराद की तादाद से ज़्यादा था। ये वाली लाइन है ना, इसकी आखिर में देखिए जुमला है, इसकी वजह बेसब्री और नज़्म व ज़ब्त की कमी है। यानी अगर आप सवाल में से लेंगे कि दावत में अफरा तफरी की वजह बेसब्री और नज़्म व ज़ब्त की कमी है, समझ में आ रहा है आपको। अगर आपके सामने किताब इस वक्त है तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से जवाब कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा सवाल जो है वो है आपका, बे नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है। इसकी हेडिंग आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त ना होने का नुकसान, ये आप हेडिंग देंगे सवाल उतारने के बाद। और अब इसकी जो इसका जो जवाब है वो आप इस तरह से लिखेंगे कि सफ़ा नंबर 27 पर देखिए, आपको इसका जवाब मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 3 है ये, इसमें आखिरी लाइंस में देखिए कि जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है, इसके बरक्स वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं। अब इसका जवाब आप क्या लिखेंगे सवाल नंबर 2 का, कि नज़्म व ज़ब्त का ख्याल न रखने से क्या नुकसान होता है। आपने हेडिंग दे दी नज़्म व ज़ब्त ना होने का नुकसान। अब जवाब आप लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 3 और सेकेंड लास्ट लाइन, जो वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है, ये जवाब इसका होगा। तीसरा यानी जीम सवाल है, कतार बनाने का क्या फ़ायदा होता है। इसकी जो हेडिंग है वो सामने आपके लिखी हुई है, कतार बनाने का फ़ायदा, ठीक है। और इसका जवाब आप लिखेंगे कि इसका जवाब अपने पास से लिखेंगे आप कि कतार बनाने का क्या फ़ायदा होता है। कतार बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हर एक को अपने वक्त पर कतार
कतार बनाने का फ़ायदा ये होगा कि ये होता है कि हर एक का काम अपने वक्त पर हो जाता है, और अफरा तफरी में क्या होता है कि काम किसी का भी नहीं हो पाता, और अफरा तफरी अलग होती है, परेशानी अलग होती है। तो अब इसका जवाब जो है वो किस तरह लिखेंगे जीम का, कि कतार बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हर शख्स का काम वक्त पर हो जाता है। ठीक है, सवाल दाल है, एक तालिबे इल्म बेहतर मंसूबा बंदी से अपने शब रोज़ किस तरह संवार सकता है। इसकी हेडिंग आपको सामने नज़र आ रही होगी, तालिबे इल्म की मंसूबा बंदी। ठीक है, कि तालिबे इल्म अगर मंसूबा बंदी करे, मंसूबा बंदी के साथ चले, एक प्लानिंग के साथ चले, तो उसकी उसको किस तरह से कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ आप देखिए सफ़ा नंबर 28 पर आप देखिए दूसरे पैराग्राफ में कि जिस तालिबे इल्म की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त कारफरमा होगा, वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। उसके सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल आने जाने, आराम करने, खेलने और काम करने के औकात मुकर्रर होंगे। इस वजह से इम्तिहान में से कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि अगर उसने प्लानिंग की है, मंसूबंदी की है, अपने सारे काम टाइम टेबल से कर रहा है, टाइम टेबल के मुताबिक, तो क्या होगा कि उसे एग्ज़ाम में, इम्तिहान में परेशानी नहीं होगी। उसका हर काम वक्त पर हुआ हुआ होगा, और जो याद करने की चीज़ें हैं उससे वो याद होगी, सिर्फ दोहराई करना होगी उसे इम्तिहानों में। ठीक है, तो आपने इसका चौथे का जवाब लिखना है तीसरे पैराग्राफ में सफ़ा नंबर 28, ये तीन लाइनों में, तीन लाइनें इसका जवाब है, कोई परेशानी नहीं होगी तब। उसके बाद आखिरी सवाल है, दीन इस्लाम नज़्म व ज़ब्त की क्या तालीम देता है। इसकी हेडिंग है दीन इस्लाम और नज़्म व ज़ब्त, और इसका भी जवाब आपको सफ़ा नंबर 28 पे पैराग्राफ में, आपको पहला पैराग्राफ जो बना हुआ है उसमें देखिए, इस्लाम भी नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देता है। मुकर्रर औक़ात में नमाज पंजगाना की अदाई नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। एक इमाम की क़यादत में सबका एक साथ रुकू सुजूद करना उसने तरतीब का आला नमूना है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर तारफ़्तार कुछ ना खाना पीना नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फरीज़ा भी ख़ास अय्याम में अंजाम दिया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमान का एक ही लिबास में होना नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़ें सीधी कराते, ये काम एक तरतीब व तंजीम का एहसास दिलाता है। यानी दीन इस्लाम भी हमें ये सारी तालीमात दे रहा है, पूरा पैराग्राफ इसका जवाब होगा। ठीक है तालिबात, आगे बात समझ में, पांचों सवालात के जवाबात मैंने आपको बता दिए, हेडिंग सामने दी हुई हैं, अब आप उसी तरह से तरतीब से आप अपना काम करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए अपनी किताब में कि आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। पहला है, खाना लगने के ऐलान पर लोग खाने की तरफ लपके तेज़ी से बेतरतीब दीवानावार तरतीब से। किताब में हमारे क्या लिखा है, बेतरतीबी से। तो बेतरतीब इसका जवाब है, लोगों ने रिकाबियों में खाना निकाला बहुत कम, ज़रूरत के मुताबिक, सलीके से या बेहिसाब। अब आप बताएं कि इसमें क्या आना चाहिए। जी, इसमें जवाब होगा बेहिसाब। हशरातुल अर्ज़ से मुराद हैं क्या, कीड़े मकोड़े, चौपाए, परिंदे, दरिंदे। मैंने आपको इसके मानी में लिखवाया हुआ है कि कीड़े मकोड़े। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कतार बनाने की, सबसे पहले सवार होने की, मुसाफिरों को समझाने की, शोर मचाने की। तो इसका जवाब है कतार बनाने की। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है, इत्तेहाद नज़्म व ज़ब्त ईमान, इत्तेहाद ईमान नज़्म व ज़ब्त, नज़्म व ज़ब्त इत्तेहाद ईमान, या ईमान इत्तेहाद नज़्म व ज़ब्त। तो यहाँ आपका नंबर 2 पे जो है, इत्तेहाद ईमान नज़्म व ज़ब्त, ये फरमान की दुरुस्त तरतीब है। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है क्या, वक्त पर काम करना, खेलना, कतार बनाना या आराम करना। वक्त पर काम करना, ठीक है। सफ़ा पलट लीजिए, सवाल नंबर 3, सफ़ा नंबर 30, नज़्म व ज़ब्त पर 200 अल्फाज का मज़मून लिखे, ये सवाल आपने नहीं करना। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ बोर्ड पर आपको यही सवाल आज बोर्ड पर करवा दिया गया, आपका मशकी काम अलग से नहीं करना। अच्छा, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपने कहाँ करना है बताइए, आपको नस्र की कॉपी में करना है, अल्फाज मानी, सवाल जवाबात, और सवाल नंबर 2 यानी टिक का जो निशान लगा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 3, तो हमने करना नहीं है। सवाल नंबर 4 वाहिद जमा यहाँ आपके लिखे हुए, देखिए यहाँ बोर्ड पर जो आपके मश्क में है वही लिखे हुए हैं, मफाद मफादात, ख्वाहिश ख्वाहिशात, कायदा कवायद, सबक अस्बाब, सजदा सजूद, मंजर मनाजिर, दावत दावात, रिकाबी रिकाबियाँ, दर्स दरूस, ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जो आपकी किताब में मौजूद हैं, इसमें एक दो का मैंने इजाफा किया है, मनाजिर तक, मंजर तक आपकी
किताब में थे और तीन का मैंने इजाफा कर दिया और ये आपके वाइज जमा आपने कवायद की कॉपी में करने हैं। टाइटल पेज बनाना है और फिर ये काम करना है। उसके बाद आपका सवाल नंबर, आपकी मश्क में जो सवाल नंबर 7 है, मुतजाद लिखिए यानी अल्फाज की जिद। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखी भी है, सारे आपको वही दिए हुए, बदकिस्मती, खुशकिस्मती, कामयाब, नाकाम, जिंदगी, मौत, आला, अदना, मशरक, मगरब, तुलू, गुरूब, और यहाँ एक और इजाफा कर दिया मैंने शिकस्त का, इसी के साथ आ जाएगा तो उसकी होगी जिद फतह। तो ये आपका सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 7 तो हो गया। सफ़ा नंबर 30 अगर आपके सामने खुला हुआ है तो आप देखेंगे कि सवाल नंबर 6 जो है वो है मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। नीचे अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मुतरादिफात लिखने हैं। आपको मैं फ़र्क यहाँ बता दूँ, यहाँ आपके पास बोर्ड पर देखिए कि अल्फाज मुतरादिफ और मरकब मुतरादिफात, ये दो अलग अलग जगह मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको इसका फ़र्क पहले भी बता चुकी हूँ। अल्फाज मुतरादिफात आपको कहा जाए तो आप सिर्फ उन अल्फाज के हम मानी अल्फाज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मुरक्कब मुतरादिफात कहा जाए तो आप उन अल्फाज के हम मानी अल्फाज के साथ साथ कोई ऐसे अल्फाज लिखते हैं जो कि आम हमारी बोलचाल में मौजूद हो, ठीक है। जब जैसे कि मफादात है, मैं आपको समझाऊँ मफादात है तो फवाइद हम मफादात मफाइद साथ नहीं बोलते कभी भी, ठीक है। तो ये सिर्फ हम मानी हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, वो हम मानी यानी कि मुतरादिफात मैं आपको बता रही हूँ, मफादात, फवाइद, कायदा, कायदा का मुतरादिफ है उसूल और ज़ाबता, ख्वाहिशात, तमन्नाएँ और आरजुएँ, इत्तेहाद का मुतरादिफ है इत्तेफाक और अख़ुवत, हुस्न का है जमाल। अब मुरक्कब मुतरादिफ पे आते हैं, यहाँ पर आपके सबक में दो मुरक्कब मुतरादिफ हमें मिले, नज़्म व ज़ब्त और तग़य्युर और तबद्दुल। ये ऐसे दो हम मानी अल्फाज हैं जो कि साथ बोले जाते हैं। अब आया फ़र्क आपको समझ में, मुरक्कब मुतरादिफ वो होते हैं जो कि दो हम मानी अल्फाज साथ बोले जाते हैं, ठीक। अब देखिए ये सवाल नंबर 7 भी हो गया आपका मश्क का, सवाल नंबर 6 भी हो गया आपका मश्क का मुतरादिफात। अब सवाल नंबर हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। यहाँ देखिए सवाल नंबर 5 जो है वो एराब की मदद से तलफ़ वाज़े कीजिए, यानी एराब लगते हैं तो हमें उस लफ्ज़ का तलफ़ पता चलता है। अब आप यहाँ गौर से देख लीजिए, यहाँ अल्फाज सवाल नंबर 5 के तमाम अल्फाज लिखे हुए हैं, आप भी यहाँ इस तरह से लिखेंगे और उनके एराब डालेंगे। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहे हैं आपको एराब तो आप लुग़त से मदद ले सकते हैं, वहाँ से देख कर आप एराब लगाइएगा लेकिन सही। इत्तेहाद अरबी, इंतशार, ममालिक, ताल्लुक, तगय्युर, तबद्दुल, निज़ाम, ये वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर आपने एराब लगाने हैं। और इस तरह से आपका मश्की काम जो है वो यहाँ पर बोर्ड पर ख़त्म हुआ। अब आप देखिए अपनी मश्क में सवाल नंबर 8, यहाँ पर कहा गया है कि मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ जो अल्फाज हैं वो हैं नज़्म व ज़ब्त, मुरस्सा, मजरूह, बहस व तकरार और कसर शान। इसमें से ज़्यादातर के मानी मैं बता चुकी हूँ आपको अल्फाज मानी में, तो आप देखकर उनके मानी देखकर जुमले बनाइएगा। आप दो कॉलम बनाएंगे, एक अल्फाज लिखेंगे, फिर उसके अंदर दूसरे कॉलम में मानी लिखेंगे और फिर तीसरे कॉलम में जुमले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये बता दूं कि आपको सवाल नंबर 1 और 2 नसर में करना है। सवाल नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये सारे सवालात आपको कवायद की कॉपी में करने हैं और आप टाइटल पेज बनाएंगे और हेडिंग के साथ बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा काम करेंगे। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।